एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। सो गाइस, शाम का टाइम है और आज मैंने व्लॉग शाम के टाइम शुरू किया है। अभी ऑफिस से आ गई हूँ और वहीं से सोच के चली थी आज बहुत सारे काम करने, क्योंकि कल जाना है मेरे को घर, तो घर के ही लिए प्रिपरेशन करनी है कुछ बच्चों के लिए। तो एक तो मैं बनाऊंगी ठंड के लिए दवाई, जो कि बहुत ज़रूरी होगी है। बच्चों की खांसी जुकाम पूरी सर्दियाँ जाता ही नहीं है, तो कुछ नुस्खा देखा था मैंने, वो अप्लाई करूँगी। तो यही बना लेती हूँ, हाँ शायद टाइम ना लगे और बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, तो दैट्स वाई मैं आज ही बना के ले जाऊँगी यहीं से ही। तो उसके लिए दिखा देती हूँ आप लोगों से, मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ क्या बना रही हूँ मैं। बच्चों के बहुत यूज़फुल चीज़, बच्चे क्या बड़े भी ले सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल है ये। तो मैं देखती हूँ बना के, आज पहली बार ही बना के देख रही हूँ, देख लेते हैं ठीक बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, मैं दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें लेनी है उसके लिए। मैंने ली है सट्टा मिश्री, धागे वाली मिश्री इसको बोलते हैं, और ये थोड़ी तोड़ ली है मैंने। इसको मैं सारे को उसमें मिक्सी में पीस लूँगी। ये अदरक लिया है और ये गुड़ लिया है, तो फिलहाल इनको ही कर लेते हैं। इसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ पहले। ये मैंने जार में डाल लिया है। ओके, तो मिश्री तो पिस गई है और अब मैंने अदरक को रख दिया है गैस पर। इसको अच्छे से भूनना है चारों तरफ से, एकदम अच्छे से, बिल्कुल जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए भून के, तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। एकदम मीडियम आँच पर सही रहता है। वैसे मैं पहले के लोग तो कोयले वाली उसमें आग में भूनते थे इनको, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है ना, तो अब गैस पे ही भूनना पड़ा है मेरे को। ये देखो बिल्कुल भून गया है अच्छे से, और इसको मैंने पानी में, नॉर्मल पानी में डाल लिया है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, नॉर्मल सा पानी। और इसमें इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से चाकू के साथ इसके ऊपर का जो ब्लैक ब्लैक है वो उतार लिया, और इसको अच्छे से तो ले लिया है पैन, और पैन में मैंने सारा अदरक जो पीसा था उसको अच्छे बाहर निकाल लिया है इसमें से। और मैंने अभी गैस ऑन नहीं की है, गैस अभी बंद ही है। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी बिल्कुल सारा निकाल के इसमें। अगर किसी का अदरक ना पिसे तो उसमें थोड़ा बहुत पानी भी डाल देते हैं। वैसे मेरा इतना सॉफ्ट हो गया था कि पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे ही सारा पिस गया। हल्का सा पानी हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे गुड़, जो मैंने थोड़ा बहुत उसको जितना हो सके हाथ से इसको तोड़ लिया। मैंने तोड़ने के बाद इसको मैंने पैन में डाल लिया है। अब इसको पहले मिक्स करेंगे बिना गैस चलाए, जितना हो सकता है उतना मिक्स कर लेंगे, जो कि क्योंकि अदरक थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है, और हल्का हल्का गीला होने के बाद गुड़ भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है, पहले ऐसे ही मिक्स करके देखूंगी इसको मैं कितना सॉफ्ट होगा, फिर गैस चलाऊंगी। उसके बाद पहले इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर। तो अब मैंने गैस ऑन कर ली है, और अब ये इसमें गुड़ जो है पानी छोड़ने लग जाएगा। गुड़ को आँच लगते ही वो सॉफ्ट तो होने ही लग जाता है, तो अब ये बिल्कुल सॉफ्ट होके इसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि गुड़ जो है वो हल्का हल्का सॉफ्ट होने लग गया है, पानी छोड़ने लग गया है थोड़ा थोड़ा सा। और अब ये पूरे अच्छी तरह से जब ये सारा मिक्स हो जाएगा आपस में, तो मिक्स होते ही मैं इसमें कुछ और भी डालूँगी। लेकिन याद रहे कि इसको बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं पकाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो फिर से हार्ड हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें कुछ और भी डाल लेती हूँ, इसमें बता देती हूँ क्या क्या डालना है। तो इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले ली है मैंने अजवाइन। अजवाइन को मैं थोड़ा सा हाथ के साथ रब कर लूँगी, थोड़ा सा इसको मैश सा करके हाथ के साथ और इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमने गैस को थोड़ा सा सिम कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो वही टाइट हो जाएगा ना फिर गुड़ के। अजवाइन के बाद मैंने इसमें डाल ली हल्की सी हल्दी, आधा चम्मच मैंने लिया है। अब डालूँगी मैं इसमें काला नमक। तो नमक के बाद मैंने इसमें डाला भुना हुआ जीरा, जो कि मैंने तवे पे भून लिया था, और उसको अच्छे से बिल्कुल पीस भी लिया था सिलबट्टे पे। ओके, तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे इसमें, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी गरम गरम चीज़ें हैं ये,
जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, सर्दियों में बहुत लाभदायक होती हैं ये सब चीज़ें। और जब ये थोड़ा सा पक जाए इसको सारे को मिक्स करके अच्छे से, अब मैं लास्ट में इसमें डालूँगी आधा चम्मच घी का, देसी घी का, और अब इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद बस थोड़ी सी देर और गैस चलानी है, ज़्यादा देर नहीं चलानी, फिर मैंने गैस बंद कर देनी है क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और ये कुछ ऐसा हो गया है, इससे भी और भी सॉफ्ट हो सकता था पर ये अब कुछ ज़्यादा ठंडा हो गया जब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरे साथ कुछ और ही हो गया था, मेरा हाथ जल गया था तो इस वजह से ये थोड़ा ठंडा हो गया। तो थोड़ा सा गर्म हो तभी हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना के, छोटे छोटे से गोले बना के हम इस मिश्री के पाउडर में मिक्स कर देंगे इसको। तो अभी वो ज़्यादा ठंडा हो गया, मैं काफ़ी देर बाद लगी हूँ, अनूप ने थोड़ी हेल्प की मेरी क्योंकि बीच में मेरे साथ हो गया था बहुत बुरा काम, ये मैं गुड़ जो है मेरे हाथ पे चिपक गया था और गुड़ गर्म होता है बहुत ज़्यादा तो हाथ जल गया था, दैट्स वाई मैंने ये काफ़ी देर बाद छेड़ा। फिर अनूप ने ही हेल्प कराई, मेरे एक हाथ से हो नहीं रहा था तो अनूप लगे हुए हैं इनके। तो अभी हम दोनों मिलके बना रहे हैं इनकी कक, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और मेरी उंगली में थोड़ा दर्द हो रहा है तो मैं साथ साथ पानी में भी भिगो के रखती हूँ, ज़्यादा देर हाथ बाहर नहीं रखा जा रहा क्योंकि ज़्यादा अंदर तक जल गया है तो सहन नहीं हो रहा है, तो साथ साथ पानी में भी रखा जा रहा है, पानी में डाल के थोड़ा राहत मिलती है इसलिए बार बार पानी में डाल के थोड़ा दर्द कम हो जाता है, फिर लग जाती हूँ गोली बनाने में। ये देखो ऐसे इसको ऐसे लेके और इसकी गोलियाँ बनानी हैं छोटी छोटी, बच्चे खाते हैं ना खट्टी मीठी गोलियाँ, ये भी खुश होके खाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो गुड़ है वो अदरक से ज़्यादा लेना है, अदरक थोड़ा कम लेना है क्योंकि वो ज़्यादा तीखी हो जाती है फिर बच्चे नहीं खाते हैं। तो हमने सारी गोलियाँ बना बना के मिश्री के पाउडर में डाल दी है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लास्ट में कैसी बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए ये हमने ये मीठी मीठी गोलियाँ छोटी छोटी, खट्टी मीठी लगती हैं बहुत और हेल्दी भी काफ़ी हैं, तो ये बना के तैयार कर दी है और ये मिश्री का पाउडर मैंने इसमें डाल रखा है। तो अभी हम और भी कुछ बनाने लग गए हैं, तो जाना था घर पे तो जाना ही था, तो और मैंने ये भी पंगा छेड़ रखा था गुलाब जामुन बनाने का, तो वो भी बनाने लग गए हम गुलाब जामुन भी। तो आज के पास अभी मैं नहीं जा सकती क्योंकि आज के पास जाते ही बहुत ज़्यादा दर्द। तो अभी जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि गुलाब जामुन किस किस को पसंद है, अनूप को तो बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए हम बनाते रहते हैं। तो उधर मैंने चाशनी भी रख रखी है उबलने के लिए, तो आज ये सारी प्रोसेस अनूप देख रहे हैं, अनूप के भी हेल्प कर रहे हैं बनाने में, ज़्यादा तो हाथ उन्हीं का है, मैं तो बता ही रही हूँ कि अब ये करना है वो करना है। तो और ये बाउल बना के दे रही हूँ, अनूप इनको साथ साथ कढ़ाई में तल रहे हैं और एक प्लेट में रखते जा रहे हैं सारे। ओके सारी गुलाब जामुन तलने के बाद गर्म गर्म चाशनी में डाल दी है और वो थोड़ा सा फूलने लग गई है। ओके तो अब चल दिए हम घर की तरफ थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए, तो आज का व्लॉग यहीं पे कर देते हैं क्लोज। व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करके जाना, प्लीज़ शेयर भी कर देना।